मंडल फतुहा के समसपुर स्थित शमशान घाट पर सीआरपीएफ 167 के जवान की गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंत्योष्टि की गई। जवान के अंत्योष्टि के दौरान 159 डिप्टी कमांडेंट मोतीलाल व उनके बटालियन के जवान मौजूद थे। अंत्योष्टि के पहले मृत जवान को तिरंगे में लपेट कर स्थानीय शमशान घाट लाया गया, जहां विभाग के जवानों ने शव को तिरंगे को उतार कर गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। मृत जवान हिलसा के पूना गांव के रहने वाले 39 वर्षीय राम प्रवेश प्रसाद थे। बताया जाता है कि कोलकाता में ड्यूटी के दौरान उनकी बीते 14 फरवरी को देहांत हो गया था, जिसके बाद उनके शव को ट्रेन द्वारा लाया गया, जहाँ गया के बटालियन उनके शव को लेकर उनके पैतृक गांव हिलसा पहुंचे, जहां से शव को शमशान घाट पर सम्मान लाया गया। मृतक जवान के पुत्र सुधांशु ने मुखाग्नि दी। स्वर्ण रानी के साथ न्यूज टीम की रिपोर्ट। खड़ा 2002 में भर्ती हुए थे और कई जगह सर्विस किए, असम में भी नौकरी किए, श्रीनगर में नौकरी किए, उड़ीसा में किए, अभी गुवाहाटी से तुरंत 1 महीना पहले ट्रांसफर होके आए हुए थे और ट्रांसफर प्लेट काट के यहाँ से मतलब टर्न छुट्टी प्लस जर्नी काट के 31 जनवरी को यहाँ से नया बटालियन में पोस्टेड हुए थे, 167 बटालियन कलकत्ता में। और अचानक इनकी मृत्यु हो गई। पता चला है कि इनकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण से हुआ है, जबकि रात में बच्चे से बात हुई थी कि हम ठीक ठाक हैं और तुम ठीक से पढ़ाई लिखाई करना, बस इतना ही। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सर कौशलेंद्र कुमार। आप भी शायद आर्मी में हैं जी? क्या है? मैं हवलदार कांस्टेबल हेड कांस्टेबल हूँ सर। मैं किस विंग? मैं सीआरपीएफ में ही हूँ सर। ठीक, थैंक यू। शहीद राम प्रवेश प्रसाद जो कि सीआरपीएफ में वर्ष 2002 से कार्यरत थे और वर्तमान ये 167 बटालियन सीआरपीएफ कोलकाता में पोस्टेड थे, कल इनकी करीब 12 बजे हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, जिसके लिए हम सीआरपीएफ की तरफ से इनके परिवार को ढाढ़स देते हैं और इस गंभीर और इस दुख भरी क्षण में हम लोग इनके पूरे परिवार के साथ हैं। आज इनके अंतिम क्रिया के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले इनके घर गए थे, उसके बाद यहाँ पर आए हैं। यह हमारे लिए बल की क्षति है, साथ ही साथ इनके परिवार की क्षति है। इस दुखद घड़ी में मैं उनको संवेदना करता हूँ, देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो भी समय है इनके परिवार को ईश्वर इतनी शक्ति दे कि अपने परिवार को अच्छे ढंग से, चाहे इनका बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, उनको मदद करें। और डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात है, जो भी नियमतः जो भी इनको मिलना होगा वो सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें इनको दिया जाए। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल News Crime 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।